नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं कविता सिंह और आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विधानसभा में टूरिज्म की प्रॉपर्टी पर हंगामा, विरोध में कांग्रेस का वॉकआउट। जयराम ठाकुर ने पूछा, वाइल्ड फ्लावर हॉल किसने बेचा था। मणिमहेश यात्रा पर फिर संकट, अब खड़ामुख के पास सड़क धंसी। ऐसे चुनावों पर कार्यकारी परिषद ले अंतिम फैसला, प्रदेश सरकार नहीं देगी दखल। मंडी में एसएफआई और एबीवीपी में पंगा, पुलिस को देख भागे छात्र। प्रदेश में बारिश से 925 करोड़ का नुकसान। और धर्मशाला में तैयार हो रही बल्लेबाजी के माफिक पिच। और अब समाचार विस्तार से। बेच दिया सारा हिमाचल, बेच दिया सारा हिमाचल, लूट लिया। इन्वेस्टर मीट से संबंधित वेबसाइट पर टूरिज्म के होटलों को बेचने की सूची ने विधानसभा में हंगामा करवा दिया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने इस मसले पर चर्चा मांगी, जिसे मंजूरी नहीं दी गई। इस पर नाराज विपक्ष ने नारेबाजी के साथ वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 16 होटल बेच दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम कहते हैं कि यह सूचना गलती से वेबसाइट पर अपलोड हो गई है। मुकेश ने सरकार से पूछा कि कौन सुप्रीम अथॉरिटी है, सरकार की वेबसाइट है, बताएं किसने बेची 16 प्रॉपर्टीज। इस दौरान सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों ओर से नारेबाजी हुई। करीब 23 मिनट तक सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। बाद में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इन आरोपों का जवाब दे रहे थे, लेकिन असंतुष्ट विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। हम ये सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हमें ये बताए कि इस प्रदेश में उनसे ऊपर कौन है। वो कहते हैं कि जी मैंने नहीं किया, वो कह रहे मेरी कैबिनेट में ने भी नहीं किया। अगर नहीं किया, आपने नहीं किया, आपकी कैबिनेट ने भी नहीं किया, और तो फिर आपसे ऊपर हिमाचल प्रदेश में कौन है जिसने ये सारा हिमाचल बेच दिया, जिसने ये सारे हिमाचल के बगानों से लेके जो है ज़मीनों से लेके होटलों से लेके और जो है अन्य संपत्तियों की जो है बोली लगा दी और रेट तय करवा दिए। आखिर कौन ऐसा जो है सूरमा आपकी सरकार में है, वो हमें बताएं तो सही। ये इस बात को लेके हमने विरोध किया है। मुख्यमंत्री जो है कह रहे हैं कि कांग्रेस गुमराह कर रही है। ये कांग्रेस का मसला नहीं है, ये हिमाचल को बेचने का बहुत ही संवेदनशील और गंभीर मसला है। इस पर कांग्रेस जद्दोजहद करेगी। उधर टूरिज्म के होटलों को बेचने के आरोपों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया। वॉकआउट के बाद सदन को संबोधित करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कैबिनेट में लिए गए निर्णय की याद भी विपक्ष को दिलाई। सीएम ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने सीलिंग एक्ट में छूट दी थी, लेकिन हमारी सरकार ऐसे निर्णय को लागू नहीं करेगी। सीएम ने पूछा कि वाइल्ड फ्लावर हॉल किसने बेचा, जिसका एक भी पैसा आज तक हिमाचल को नहीं मिला। इस मांग को वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने ओबराय ग्रुप के साथ जो है वो वाइल्ड फ्लावर हॉल का, वाइल्ड फ्लावर हॉल का जो है वो 1995 में एडवर्टाइज किए बिना, हालांकि इतना बड़ा यूनिट, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी और टूरिज्म की सबसे बेहतर प्रॉपर्टी, सबसे महंगी प्रॉपर्टी अगर पूरे हिमाचल प्रदेश में थी तो वो वाइल्ड फ्लावर हॉल थी। और 1995 में इन्होंने जो है उसको बिना एडवर्टाइज किए ही जो है वो दे दिया। और उसमें बड़ी दिलचस्प बात है, और जो जमीन उसमें जो है वो इक्विटी के रूप में था, मतलब जिसमें एक रुपये की भी हमको अभी तक आए हिमाचल प्रदेश सरकार को हो नहीं पाई, उसके बारे में उनको क्या कहना है। सीएम ने कहा कि विपक्ष को बोलने को कुछ नहीं मिल रहा तो इसलिए मुद्दा बना रहा है। मणिमहेश यात्रा पर फिर से संकट मंडरा गया है। चंबा भरमौर सड़क पर अब खड़ामुख के पास सड़क धस जाने से बड़ी गाड़ियों की आवाजाही थम गई है। इससे कई यात्री रास्ते में फंस गए हैं। इससे पहले हरसर के पास थनाली नाला में सड़क नाले की बाढ़ में बह गई थी, वहां भी छोटी गाड़ियों की ही आवाजाही हो पा रही है। एडीएम भरमौर पीपी सिंह का कहना है कि सोमवार रात को यात्रियों की पैदल आवाजाही शुरू करवा दी थी। इस दौरान 2000 यात्रियों को रात के समय हरसर से निकाला गया है। उन्होंने कहा कि छोटे वाहनों के लिए सड़क बहाल कर दी गई है। 20 अगस्त की सुबह परंगाला और सटली के बीच में जो पुल फ्लैश फ्लड्स की वजह से बह गया था, इससे बहुत सारे यात्री हरसर की तरफ फंस गए थे। हमने कल शाम को ही लगभग 2000 यात्रियों को वो रास्ता बहाल करके वहां से निकाल दिया था, और आज सुबह जो रास्ता है वो छोटी गाड़ी के लिए बहाल हो चुका है। जितनी भी हरसर में छोटी गाड़ियां हैं उनको निकाला जा रहा है।
जिला के महला नामक स्थान पर मंगलवार को एक पंजाब का व्यक्ति रावी में उतरने की भूल कर बैठा। जब तक कि वह संभल पाता, वह डैम के छोड़े पानी से बड़े बहाव में फंस चुका था। इस दौरान मौके पर दर्जनों लोग जमा हो गए, किसी ने पुलिस को सूचना भी दे दी। इसी बीच मणिमहेश यात्रियों की नज़र उस पर पड़ गई। उन्होंने कड़ी मेहनत करके उसे नदी से सुरक्षित निकाल लिया। उधर डल से वापस आते समय एक लंगर कर्मी की मौत का समाचार है। संदीप नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने अपना लंगर लगाया हुआ था। ये शिवकुंड में इन्होंने अपना लंगर लगाया हुआ था, जिसमें कल से इनको जो है सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही थी, और इनको डल लेक पर भी और उसके बाद बरीकुंड में और सुंदरासी में भी ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू सांस लेने में हेल्प की गई। लेकिन जब इन्हें नीचे लाया जा रहा था तो मीनवाइल जो रास्ते में इनकी डेथ हो गई। ऐसे चुनावों को लेकर प्रदेश सरकार ने गेंद को विश्वविद्यालय के पाले में डाल दिया है। सरकार ने साफ किया है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में होने वाले ऐसे चुनावों में उसका कोई दखल नहीं होगा। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस मसले पर विश्वविद्यालय की ईसी यानी कार्यकारी परिषद ही अंतिम निर्णय लेगी। गौर रहे कि एचपीयू सहित कॉलेजों में 2014 में प्रत्यक्ष चुनावों पर रोक लगा दी थी। अब एबीवीपी और एसएफआई लगातार सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन से चुनाव करवाने को कह रही है। वल्लभ कॉलेज मंडी में मंगलवार को फिर से एबीवीपी व एसएफआई कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प हो गई। इस दौरान समूचे कैंपस में अफरा तफरी मच गई। इसी बीच कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को सूचना दे दी। बताते हैं कि जैसे ही पुलिस टीम कॉलेज में पहुंची, झड़प में शामिल छात्र वहां से चंपत हो गए। बाद में पुलिस की क्यूआरटी टीम ने व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग दिया। बाद में विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज में गोला बनाकर जमकर नारेबाजी की और कॉलेज प्रशासन व पुलिस को कोसा। कल भी एक बार स्थिति खराब होने के बाद दूसरी स्थिति फिर खराब हुई, कोई सवा एक के आसपास, तो उसमें तो काफ़ी पुलिस के जवान प्रेजेंट थे जिन्होंने तुरंत स्थिति के ऊपर काबू पाया और जो लड़के लड़ रहे थे इनको फिर पुलिस स्टेशन ले गए और ये अपने हिसाब से इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मॉनसून की भारी बारिश से राज्य को 925 करोड़ का नुकसान हो चुका है। सबसे ज्यादा नुकसान अगस्त माह के दौरान हुआ है। इस माह के दौरान अब तक 310 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो पिछले 7 सालों के दौरान एक माह में सबसे ज्यादा आंकी गई है। इससे पहले साल 2011 में अगस्त माह में 321 मिलीमीटर बारिश हुई थी। गौर रहे कि बेरहम बारिश 49 लोगों के प्राण भी निकल चुकी है। वहीं 150 से ज्यादा सड़कें अब भी बंद पड़ी हैं। प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर मंगलवार को धूप खिली रही। इससे अधिकतम पारे में 1 से लेकर 4 डिग्री तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ऊना में सबसे ज्यादा 4 डिग्री तक पारा उछलकर 37 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। इसके अलावा सुंदरनगर, भुंतर, कल्पा, कांगड़ा व बिलासपुर के तापमान में 3 डिग्री का उछाल आया है। वहीं हमीरपुर में 2 और शेष हिमाचल के पारे में 1 डिग्री तक की बढ़ोतरी आंकी गई है। विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि राज्य में 2 सितंबर तक मौसम खराब बना रहेगा। इस दौरान राज्य के कुछ स्थानों पर बारिश के आसार हैं। और अब खेल समाचार। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 15 सितंबर को भारत व दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 मैच होना है। इसके लिए स्टेडियम में तैयारियां चल रही हैं। सूत्रों से पता चला है कि इस बार की पिच बल्लेबाजी के माफिक होगी। पिच पर बहुत कम घास देखने को मिलेगी। उम्मीद है कि इससे दर्शकों का खूब मनोरंजन होगा। धर्मशाला में लंबे समय के बाद मैच होने जा रहा है। ऐसे में समूचे प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों में गजब का जोश है। और अब चलते चलते हिमाचल के एसएसए को कल मिलेगा केंद्र सरकार से राष्ट्रीय अवार्ड। डायरेक्टर पाएंगे सम्मान। सिंगापुर के साथ जटिया देवी सैटेलाइट टाउन का एमओयू रद्द। हिमुडा अपने स्तर पर बनाएगी टाउनशिप। बिलासपुर में एम्स को मुकम्मल करने के लिए वर्ष 2021 का टारगेट तय। 250 एकड़ पर हो रहा निर्माण। और हिम केयर में अब तक 6,42,000 ने करवाया पंजीकरण। 33,000 मरीजों को मिला योजना का फायदा। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं धीरज शर्मा की आवाज में ये कांगड़ी गीत। भला ओणा ओ चंबे
देवी गोरिए ओ भलिए किया भला भेजनी कुछ की तार हो अड़िए असा तनोकर कुछ सफाई ओ गोरिए दिले जड़ांदी हो तेरी जुदाई ओ अड़िए असा तनोकर कुछ सफाई ओ गोरिए दिले जड़ांदी हो तेरी जुदाई ओ अड़िए किया भला होना ओ चंबे दिए गोरिए ओ पलिए किया भला भेजनी चिट्ठी तार हो अड़िए हाँ किया भला होना हो चंबे दिए गोरिए ओ पलिए किया भला भेजनी चिट्ठी तार हो अड़िए असा तनोकर तेरे सरकारी ओ गोरिए सरहद देश दियां दे पहरेदार ओ अड़िए असा तनोकर तेरे सरकारी ओ गोरिए सरहद देश दियां दे पहरेदार ओ अड़िए किया भला होना ओ चंबे दिए गोरिए ओ पलिए किया भला भेजनी चिट्ठी तार हो अड़िए किया भला होना वो चंबे दिए गोरिए ओ पलिए किया भला भेजनी चिट्ठी तार हो अड़िए। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।